कहते हैं प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। जब यही एहसास सुखद है, सुंदर है, सलोना है, तो फिर क्यों प्यार के नाम पे सदियों से खून बहता रहता है? कभी जात पात के नाम पर, कभी मान सम्मान के नाम पर, कभी प्रतिष्ठा के नाम पर, तो कभी अमीरी और गरीबी के नाम पर लोग प्यार के विषय में एक दूसरे से झगड़ा किया करते हैं। बट 60 वर्ष पहले प्रेम विवाह करने वाले एक प्रेमी कहते हैं, मैं वही सोचता हूँ जो वह कहती है, या जो मैं सोचता हूँ वही वो कहती है। बड़ी मीठी उलझन है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मानो मैंने अपने ही शब्द में उसके मुंह से कह दिया हो। और प्रेमिका कहती है, हम हर काम का श्रेय एक दूजे को देते हैं, हम एक दूजे को छवि को बनाने के लिए पागलों की तरह मेहनत करते रहते हैं, इनके नाम से ही दूसरे को मैं सॉरी का मैसेज भेजती हूँ, जिसके वजह से वो भी खुश और मैं भी खुश। प्यार के इसी कोमल स्वरूप को सहज जाने की ज़रूरत है, जहाँ शब्द की ज़रूरत नहीं बट फीलिंग्स की ज़रूरत होती है। एहसास की एक ऐसी भीगी बियार जो एक दूजे को पास लाए और एक दोनों आत्माओं का मिलन हो, और ये प्रोसेस लंबे समय तक चले, जिसके वजह से हर कुटुंब में सुखिया फैले, शांति बनाए रखे, और उस कुटुंब के छोटे बच्चे या बहू या बेटियां भी एक खुशहाल सा महसूस करें। जिस तरीके से बगीचे में माली फूलों की सजावट करने के लिए उसे पानी देते रहता है, उसी प्रकार एक अच्छा प्रेम भरा खूबसूरत कपल अपने बच्चे को, बहु बेटियों को प्रेम भरे स्वरूप से खुश रख सकते हैं।